अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ असली घी की रेसिपी। मेरे घर का घी फिनिश होने आया है तो मैंने आज सोचा था बनाऊँगी, तो आप लोगों से भी शेयर करूँगी। मुझे भी ये नहीं आता था घी बनाना, मुझे लगता था ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, बट लॉकडाउन में सामने नेबर्स में जो आंटी रहते हैं उन्होंने मुझे सिखाया है और मुझे आ गया। बिकॉज हमेशा मम्मी बना के मेरे लिए लाते थे, बट लॉकडाउन में हमें पॉसिबल नहीं हो पाया तो मैंने बनाना सीख लिया और आंटी ने बहुत ही सिंपल तरीके से मुझे बताया है ये रेसिपी। तो आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैंने इधर 3 डब्बे फुल भरे हैं और इसमें हाफ ही भरा है, बट मुझे घी बहुत ज़रूरी है बनाना, तो मैंने सोचा इतना तो पहले बना लेती हूँ। तो मैं मलाई को फ्रीज़र से निकाल कर रखा था थोड़ी देर के लिए, जब तक इसका जो बर्फ़ हो जाता है उसको वो पिघल ना जाए, लिक्विड फॉर्म में ना हो जाए मलाई। अब मैंने इसको हाफ भरा है मिक्सर जार को, अब चलो इसमें हाफ पानी ऐड करेंगे। अब मैं इसमें टैप वाटर ही यूज़ करूँगी, हाफ इतना हमको टैप वाटर भर के लेना है। अब बिकॉज मिक्सर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी, म्यूट पे होगा, और जब तक ये मस्का ऊपर नहीं आता है इसका, जब तक हम इसे चलाते रहेंगे मिक्सर। अब मैंने लिड ओपन किया है, 5 मिनट्स तक चलाना है अच्छा फास्ट पर। देखिए मस्का पूरा ऊपर आया है, मैं निकाल कर दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छे से मस्का ऊपर आया है। अब हम हल्के हाथ से स्पून से ये मस्का निकाल लेंगे, अलग करेंगे इस तरह से। अगर आपके पास ऐसा झारा होगा तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा वो, तो बस हमें यही रिपीट करना है सारे मलाई के साथ। थोड़ी मलाई डालनी है, फिर पानी डालना है, बट ये जो पानी बचा है ना ये यूज़ नहीं करना है, हमें दूसरा पानी लेना है, नया पानी लेना है, यही यूज़ नहीं करना है। अब ये पानी जो है इसे हमें फेंक देना है, अच्छे से सब मस्का निकाल लेंगे। अब ये हम फेंक देंगे, फिर से हम बची हुई मलाई डालेंगे। और पानी, अब इसमें मलाई बहुत रह जाती है डब्बे में, तो इसमें ही पानी डालकर अच्छे से, वेस्ट मत करना, बस ऐसे डालकर फिर से हम इसे चला देंगे। पूरा मस्का नहीं निकल जाता, हमें रिपीट करना है। और आप देख सकते हो मस्का कैसे निकला है, बहुत ही अच्छा है। तो देखिए इसी तरह हमें मस्का निकाल लेना है अच्छे से, ये सेकेंड राउंड है। ये 4 डब्बे में आराम से 1 kg घी आपका निकल जाएगा, मैं अंदाज़ा बता रही हूँ, मुझे भी पता नहीं है बट मैं अंदाज़ा बता रही हूँ, 1 kg तक घी निकल जाएगा आराम से। असली चीज़ें खाना है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको। मैं डेली मलाई जमा कर रखती हूँ, बिकॉज हमारे घर में मलाई कोई भी नहीं खाता है, सिर्फ मेरे शौहर जी खाते हैं, और मैं कभी कभार मन किया तो चाय में लेती हूँ मलाई, बाकी जो बचती है वो मैं सेव करके रख देती हूँ घी के लिए, बिकॉज आप लोगों को तो पता है हम लोग घी पराठा कितना खाते हैं और फिक्की दाल में भी मैं बहुत घी यूज़ करती हूँ, तो मुझे घी बहुत लगता ही है। तो ये जो बचा हुआ पानी है वो मैं फेंक दूँगी। हमेशा मस्का साइड में निकाल के रखना है, मतलब बाउल में बड़ा एक कुछ भी आप ले लो कंटेनर, और साइड में पानी जमा हुआ वो भी फेंक देना, इसको साइड कर दो।
ये जो ये मस्का हमारा रेडी है बहुत ही यम्मी लगता है। थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट मत करना, थोड़ा निकाल कर आप नाश्ते में भी खा सकते हो रोटी के साथ या फिर ब्रेड के साथ। अभी मैं 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में इसे सेट होने के लिए रखूँगी, ठीक है। अब 10 मिनट हो गए हैं, अब ये अच्छे से सेट हो गया है। अच्छे से सेट होगा ना तो आपका घी बहुत अच्छे से बनेगा, ऐसे आंटी ने कहा था। तो चलो, अब मैंने एक बड़ा सा भगोना या फिर पतीली या फिर आप वेसल जो भी कहते हैं इसे, मैंने बड़ा सा लिया है। और क्योंकि घी अगर थोड़ा भी होगा ना तो वो ऊपर ऐसे आ जाता है, तो आप जितना क्या बोलते हैं इसको, डीप होगा ना तो वो बेटर रहेगा। तो अब हमें इस मस्के को, ओ वाओ, कितना अमेजिंग, कितना यमी, कितना डिलीशियस लग रहा है। अब मैं इसमें इस भगोने में, मैं तो भगोना ही बोलती हूँ, ऐड करना है। अब घी बनने का प्रोसेस चल रहा है, इसे आपको जाएंगे लगभग 30 मिनट्स। अब आप देख सकते हो घी मस्का पूरा पिघल रहा है अच्छे से, और हाई फ्लेम पे बस पिघलने तक रखना, उसके बाद थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करना, बिकॉज वो ऐसे बस 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 ऊपर आ जाता है ऐसे मेरे मम्मी बोलते हैं, बस 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 बस। तो बस अच्छे से इसको स्टर करना है जब तक इसका पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट कलर नहीं आ जाता, नीचे थोड़ा सा ब्राउनिश वो हल्का सा कलर नहीं आ जाता और ऊपर पूरा ट्रांसपेरेंट पानी जैसा कलर नहीं आ जाता, तब तक हमें इसे पकाना है। और हमें लेनी है 8 से 9 हरी इलायची, इसे मैंने थोड़ा थोड़ा स्लिट किया है तो उसका जो फ्लेवर है घी में अच्छा आएगा। तो 8-10 मैंने ऐसे करके रखा है, ये अब नहीं डालना है, अभी थोड़ी देर के बाद डालना है, मैं बता दूंगी आपको। बस आधे घंटे तक आप चेयर लगा लीजिए इधर और बैठ जाइए आराम से, तब तक के लिए मेरे रील्स देख लीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और यूट्यूब चैनल पर भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मैं घी बनाते बनाते आप लोगों को कितने काम दे दिए मैंने, तो ज़रूर ये काम कर देना प्लीज़। और आप लोग सोच रहे देंगे अरे इसने रेसिपी स्टार्ट क्यों की है अचानक, तो मैं वो लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ वीडियो शूट नहीं करती हूँ, मैं घर का भी काम करना अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ उन लोगों के लिए। और घी की रेसिपी वैसे भी बहुत लोगों ने मुझसे मांगी है, DM किया था, तो मैंने सोचा चलो आज बना ही रही हूँ, तो हस्बैंड भी फ्री थे शूट करने के लिए तो मैंने सोचा बना लूँ। तो बस आपको ये कंटिन्यूस स्टोर करते रहना है। अब बज रहे हैं रात के 1 बजे, हम लोग देखे घी बना रहे, तो घी पक रहा है, 10 मिनट हो गए हैं अब तक वो बना नहीं है, ट्रांसपेरेंट हुआ नहीं है, तो थोड़ी देर हाई फ्लेम पर रखना है, बट इसे कंटिन्यू चलाना है वरना वो ऊपर आकर गिर जाएगा। कि घी की कंसिस्टेंसी बनी नहीं है तो आपको थोड़ा सा हाई फ्लेम करके स्टर करना है, वरना ये ओवरफ्लो ना हो जाए, आपको कंटिन्यू चलाना है, बड़े ही ध्यान देकर आपको ये प्रोसेस करना पड़ता है। और फिर थोड़ी देर हाई फ्लेम करके लो कर दीजिए, क्योंकि देखिए वो कितना ओवरफ्लो हो रहा है, तो आप देख सकते हो बहुत ही कम टाइम बचा है अभी, इसको लगभग 10 मिनट ही लगेंगे और हमारा घी रेडी हो जाएगा। तो और वेट करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता इसे बॉईल करते रहिए और चलाते रहिए। सकते हो ऑलमोस्ट घी बन चुका है और सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे इसे बनने के लिए। देखिए हल्का सा ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है, आप देख सकते हो, नज़दीक से दिखाओ, देखिए। अब ये स्टेज पर हमें इलायची ऐड करनी है, बस इलायची ऐड कर लेंगे और जब तक ये जो ऊपर का वाइटनेस ख़त्म नहीं हो जाता और पूरी तरह से ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, तब तक और स्लो फ्लेम पर, एकदम कम फ्लेम पर पकाना है। देखिए कितने अच्छे से घी प्रिपेयर हो रहा है, अब ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बस थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम लगता है,
बट बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। और थैंक यू सो मच आंटी को मुझे ये घी सिखाने के लिए, बनाना सिखाने के लिए। और थैंक यू सो मच शौर जी शूट करने के लिए। देखिए ये ट्रांसपेरेंट होते जा रहा है, थोड़ा पास से दिखाओ ना। देखिए अब ये पूरा जो ऊपर का ये वाइट है ना, ये भी खत्म हो जाएगा। फिर इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे। अगर आप चाहो तो आप जो खाने का पान होता है ना, मेरे मम्मा ऐड करते हैं पान का, अभी फ्लेवर बहुत अच्छा था, हाफ पत्ता पान का, वो भी इलायची के साथ इसमें आप डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और मलाई जमाते वक्त एक बात ध्यान रखिए, वैसे मैं तो बिल्कुल भी कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ, अगर आप चाहो तो एक चम्मच दही डालकर उसके ऊपर मलाई जमा दीजिए। मैं बिल्कुल भी दही नहीं ऐड करती हूँ, मैं डायरेक्ट मलाई ही जमाती हूँ बस, फिर भी मेरा इतना अच्छा घी निकल कर आता है, देख सकते हो। बस और थोड़ा सा रह गया ये वाइटनेस, ये भी ख़त्म हो जाएगा तो हमारा घी रेडी है। इसकी फिक्र मत कीजिए, नीचे थोड़ा सा लग जाता है, ब्राउन हो जाता है, ज़्यादा भी मत जला दीजिए। हल्का ब्राउन हो गया नीचे पूरा तो बंद कर दीजिए, वरना आपका घी जल जाएगा। तो फाइनली हमारा यमी डिलीशियस घी रेडी है। अब ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है, देखिए पूरा वाइट इसका ख़त्म हो गया है। बस हमें बंद करना है गैस, फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसे थोड़ा कूल डाउन होने देना है, थोड़ा घी ठंडा हो जाए, फिर हम इसे कोई भी कंटेनर में भर के रख देना है और अपने कैलोरीज को बढ़ा देना है इसे खाकर। तो हम मिलते हैं ये ठंडा होने के बाद, और कंटेनर में कैसा आता है और कितना क्वांटिटी आता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो घी फाइनली रेडी है, और इसे मैं अभी एक कांच के जार में निकाल रही हूँ, देख सकते हो। और इसे आपको छान कर डालना है। ओ वाओ, मेरा अंदाज़ा 1 लीटर था, 1 किलो सॉरी, बट सो आप देख सकते हो ये 1 kg का जार है, तो ये 1 kg भर चुका है और इसमें थोड़ा सा घी बच चुका है। तो आप देख सकते हो ये दो, एक लीटर बोलते या 1 kg, मैं कंफ्यूज हूँ, जो भी है 1 लीटर या 1 kg उसका ये एक भरा है, और ये 1/2 kg या 1/2 लीटर समझ लीजिए उसका भरा है। वो भी मेरे पास 4 डब्बे थे, उसमें 3 फुल डब्बे मलाई थी और उस और 1 डब्बे में बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम, हाफ से भी कम मलाई थी, तो उतने में ये 2 बॉटल भर के निकली है घी। तो बस ये, अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। जिसको घी बनाना नहीं आता, स्पेशली उन लोगों के लिए ये मैंने रेसिपी डाली है। घी बनाना आता है तो वो लोग इग्नोर कीजिए, बैड कमेंट करने से अच्छा आप कमेंट मत कीजिए, मत देखिए। और जिसे ये सीखना है, जिसे बनाना सीखना है, वो लोग ज़रूर देखिए और लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। बहुत मेहनत लगती है शूट करके, और देर रात हम 2 बजे ये ठंडा होने का रास्ता देख रहे हैं और उसके बाद फिल कर रहे हैं आप सबके लिए, दिखाने के लिए कि कितो ये दो कितना घी बन गया है। और ये 1 महीना मेरा आराम से चलेगा, मुझे 1 महीना बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा। आप लोग भी डालडा बिल्कुल भी मत यूज़ कीजिए, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। असली घी बनाइए, डेली आपके घर में दूध आता होगा, उसके ऊपर मलाई आप फ्रीज़र में जमा करके रख दीजिए, तो आपको अच्छा खासा अच्छा क्वांटिटी में घी बन जाएगा और आपके पैसे भी बच जाएंगे, क्योंकि घी आप लोगों को तो पता है बाहर कितना एक्सपेंसिव और कितना महंगा आता है। तो घर में बनाइए और अपने पैसे बचाइए और अच्छा खाइए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।